वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है, यानी कि दिल से गुड्डू सौरन यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत। सो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और हमें मिस कर रहे होंगे ना, मिस कर रहे थे ना कि कब आएगी गुड़िया, हमारी प्यारी गुड़िया। सोचो मैं खुद ही अपनी तारीफ करती हूँ, कोई भी अपना भला तारीफ करता है। तो फ्रेंड आपको मैं बताने वाली थी, क्या बताने वाली थी पता है फ्रेंड, मेरा बहुत दुखी की बात, मैं सोची चलो आप लोगों से शेयर कर दूं। कल रात भर हम लोग सोए नहीं, आप लोग बोलेंगे क्यों नहीं सोई, क्योंकि हमारा कूलर खराब हो गया, अब हमारा कूलर रात भर नहीं चला, हम लोग नींद हराम हो गया, हम लोग कल से सोए नहीं। अभी गर्मी इतना ज्यादा हम लोग को घर में, क्या ही बताए, हमारा कूलर पूरा से पूरा खराब हो गया फ्रेंड। लेकिन टेंशन की नॉट, रजनी सब चीज का सोल्यूशन निकालती है और निकालेगी। तो फ्रेंड अभी हम लोग जा रहे हैं, नया पंखा, दो पंखा लाएंगे, एक सीलिंग पंखा लाएंगे और एक स्टैंड पंखा लाएंगे बड़ा सा, जो आप लोग हमारे बर्थडे में आओगे तो मैं आप लोग का हवा हवा ताजगी ताजगी नई नई हवा खिलाऊंगी। और एक हम लोग जब जमीन में सोते हैं, आपसे हम लोग जमीन में नहीं सोएंगे, हम लोग एक फोल्डिंग खटिया ले रहे हैं गद्दा वाला, जो आरामदायक रहेगा और हम लोग आराम से सोएंगे। तो आप लोगों को जरूर शेयर करेंगे, मैं दिखाऊंगी, कुछ भी होता है मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग ब्लॉग में बने रहना और बताना कि मैं सही की कि गलत की, आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि इतने ज़्यादा गर्मी यहाँ पे है ना कि पंखा लेना भी बहुत ज़रूरी है। और ज़मीन में भी सोते हैं ना, पूरा बदन हाथ दर्द देता है। मैं सोची चलो अब हम लोग एक फोल्डिंग खटिया ले लेते, जो बाहर में भी हम लोग बैठ सकते हैं, अंदर में भी, जब लाइट नहीं रहे तो बाहर। देखो लाइट कट गई फ्रेंड, तभी लाइट कट गया था, तो हम आप लोग को बता रहे थे कि हम लोग कुछ सामान खरीदने जाएंगे बोल के। तो चलिए आप लोगों को, मतलब हम लोग मार्केट गए थे तो पूरा सत्रह अंधेरा था, उजाला था ऐसे जहाँ जहाँ हम लोग सामान खरीदे। तो हमारा यूट्यूब पेमेंट आ गया है, ये लो पेमेंट मिला के चार बार हो गया हम लोग को यूट्यूब पेमेंट। तो थैंक यू सो मच, सब आप लोगों के वजह से हमें हमारे यूट्यूब पेमेंट आ चुका है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं इसीलिए दुखी थी कि अगर जब इतना मेहनत करो, अगर कुछ सफलता नहीं मिलता है तो इंसान दुखी तो होते, और ऐसे तो हमारे जल्दी मिल जाता, तो इस बार थोड़ा लेट हो गया पेमेंट आते हुए। तो पेमेंट बहुत अच्छा खासा पेमेंट भी आ गया हम लोग का, तो इसीलिए अब बर्थडे भी थोड़ा सा अच्छे से मनाया जाएगा। देखते हैं कितने लोग आते हैं हमारे बर्थडे में, यू इतने जानते। और मैं कुछ सामान खरीदी हूँ, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ और शेयर करती हूँ क्या क्या सामान हम लोग खरीदे हैं। तो और क्या बोलूँ मैं इसलिए ली हूँ, आप बोलोगे कि आपके घर इतने छोटे हैं तो आप इतने सारा सामान लिए हैं। तो हमारा, हम जैसे कि आप लोगों को बोले पहले कि हमारा कूलर ख़राब हो गया, तो हम पंखा लेते हैं, एक ऊपर वाला लेते हैं, एक नीचे वाला लेते हैं। क्या है, कुछ अगर हमारे बर्थडे में लोग आएंगे, जैसे कि उन लोगों को बाहर में लाइट नहारा, मतलब अंदर में नहीं बैठने का मन गया, ऐसे भी तलवेस्टर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है आप लोगों को पता है। तो मैं इसी सोच के एक बड़ा सा स्टैंड पंखा ली, जो थोड़ा पड़ा दाम लेकिन बहुत अच्छा मिला क्वालिटी। और एक मसाला डब्बा रखने के लिए सब लिए हैं, चलिए आप लोगों को दिखाते पहले कौन सा था अब कौन सा है। तो फ्रेंड देख सकते हो ये पुराना हो गया, और प्रोफर चीट के हम लोग टेप उप लगा के इसको हम लोग चलाए थे, इतना दिन कम से कम हो गया, 6-5 साल तो हो गया इसका, देख सकते हो इसका 5 साल हो गया। तो अब इसको जाने का दिन आ गया, इसको बुढ़ापा आ गया, तो ये जब इसको जाने का टाइम आ गया तो अब इसको अलविदा बोल दिए। और एक हम नया वाला लेके आए, ये देख सकते हो कैसा लगा बताना, छोटा सा है, बहुत सुंदर, हमें तो सुंदर लगा, कि आप लोगों को कैसा लगा ये बताना, ठीक है, हमें दिख भी नहीं रही है। अब देखिए कैसा है ये, अच्छा लगा, मसाला वसाला डब्बा ऊपर में, तेल रोल डब्बा, ये सब में मसाला अचार उचार इधर नीचे में मसाला नमक रखे हैं। तो कैसा है कमेंट करके जरूर बताना, हम अच्छे की कि खराब बताना कमेंट करके। चलो मैं और भी सामान लेकर आई जो आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को तो पता है रजनी आप लोगों को सब कुछ दिखाती है, ये दिखाई, ठीक है, और भी कुछ दिखाऊंगी, चलते हैं। सो फ्रेंड चलो बच्चे लोग, हमारे बच्चे लोग मतलब बाबू टीवी देख, बाबू हाय बोल दे बेटा, आज बाबू खुश है कि नहीं, हम लोग का कूलर खराब हो गया ना बाबू, हम लोग कल से अच्छा से सोए हैं, बता दो फ्रेंड, हम लोग कल से अच्छा से नहीं सोए, बता दो तेलों को, बोल दो कि कल से हम लोग सोए नहीं है गर्मी के कारण, कल से हम लोग सोए नहीं थे गर्मी के कारण, बहुत ज्यादा गर्मी है ना। और देख सकते हो फ्रेंड हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं बहुत गर्मी है,
और देखो बर्फ जमा के खा रहा है गिलास में। देखो फायदा उठाना सीखो तो इससे सीखो जितना फायदा उठाना है। और फ्रेंड चलो आप लोगों को दिखाते नया फैन, देख सकते हो हमारा नया फैन, मतलब बड़ा है, इसको छोटा करके रखे हैं तो इसको तो ऐसा बांध के रखा है। चलो आप खोल के भी दिखा देते हैं। खोल ना, खोल मत खोलो तुम, उसको फिर रिटर्न लगा देंगे। हम लोग घर पे ना बहुत ज्यादा धूल उड़ता है तो इसीलिए। ये देख सकते हो हम आपने खाने ओपन किए हमारे पंखे। बाबू खुश हंसो तो अच्छा से, अच्छा से माँ तो इसको छुओ, रुको एक तो नया पंखा ये है और कैसा लगा ये बताना। और क्या लिए हैं और बीमारियों से बचो। और क्या ये देख सकते हैं क्या, एक फैन ऊपर के लिए है। एक फैन ये ऊपर छोटा पत्ती वाला फैन लीजिए, स्पीड भागता आप लोगों को पता है वो ज्यादा स्पीड होता है। थोड़ा साइड थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मतलब कुछ मतलब ड्रेस मतलब क्या, हम लोग बचपन जब थे तो ऐसे छोटे छोटे मतलब कपड़े पहन के बैठे थे, तो हमें नहीं चाहती कि ब्लॉग में आए और कोई लोग गलत कमेंट कर दे किसी को, है ना, सही सोचे ना। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं एक फैन, एक ये फैन है, एक वो फैन है, दो फैन लिया। और सबसे बड़ी खुशी देखो, अब हम लोग जमीन पे नहीं सोएंगे, अब हम लोग सोएंगे फोल्डिंग खटिया में। देख सकती हूँ ये देख सकती हूँ बड़ी खुशी, इसको हम निकालते हैं, रुको एक मिनट। ये देखिए एक हमारा न्यू सामान पंखी, देखिए एक वो सामान हम लोग का एक ये, और एक सबसे बड़ा ये देख सकते हो बाबू खड़ा हो गया है, और एक ये मतलब आज हम लोग चौथा सामान खरीद, चार सामान नए नए हम लोग शॉपिंग किए, चार चार सामान खरीदे हैं घर पे नए नए, जो हम लोग अब जमीन में नहीं सोएंगे, अब हम लोग सोएंगे, हम और मेरे हस्बैंड हम लोग बेड में सोएंगे, जो आप लोगों की वजह से हम लोग बेड में आराम से सो पाएंगे आरामदायक। और आप लोग आओगे तो ठंडी ठंडी हवा मिलेगी हमारे बड्डे में, क्योंकि एक तो ऊपर में भी रहेगी एक नीचे में भी रहेगी। और ये कूलर अब हम लोग बाहर में रखने वाले हैं, जो टूट मतलब चलने नहीं चल रही है, खराब हो चुका है। चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बने रहे, जो भी होता हम आप लोगों को शेयर करेंगे। फ्रेंड आप सबको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं, आज जो भी हमारे साथ इतने मतलब कभी हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि मेरा भी जो हम सोचेंगे जो भी सोचेंगे वो चीज़ हमारा पूरा हो जाएगा। सब आप लोगों के कारण, आप लोगों के वजह से मेरा सब सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि कभी ऐसा वक्त था कि हम लोग सिर्फ सोच सकते थे लेकिन कभी नहीं सकते थे, सिर्फ उसको देख सकते थे, महसूस करते थे पर उसको छू नहीं सकते थे कभी भी नहीं। लेकिन आज जो भी आज मतलब हम लोग का मैं जो भी सामान खरीद ली हूँ, कुछ भी मैं आप मतलब कुछ भी हमारा मतलब क्या बोलने को बोलूँगी मैं आज रियली में मैं बहुत खुश हूँ। और रजनी खुश है, तो आप लोगों का कैसा लग रहा है आज हमारे खुशी में, आप लोगों का कैसा लग रहा है ये बताना फ्रेंड, कि मैं छोटी छोटी सी खुशी में इन सामानों से मैं पा लेती हूँ अगर मेरे ये सामान हो जाते हैं तो। मैं तो आप लोगों को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग हमें इतना सपोर्ट दे रहे हो ब्लॉग में और इतना प्यार दे रहे हो हमें, थैंक यू सो मच। और अब आई होप कि आप लोग आगे भी ऐसे हमें सपोर्ट देते रहोगे, और मैं भी आप लोगों को पूरा सपोर्ट करूँगी फ्रेंड, जितना हो पाए मैं उतना करूँगी, क्योंकि मैं बाहर में भी काम करती हूँ। कभी कभी बहुत सारे लोग कॉल करते कि सोचते कि रजनी फ़ोन नहीं उठा रही है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, किस कारण से नहीं उठा रही, तो हम फ्रेंड मेरा भी काम होता बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं YouTube के भरोसे में ही बैठे रहती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको तो पता मैं कहीं और भी काम करने जाती हूँ, इसीलिए तो आप लोग नाराज मत होना, मैं आके मैं ज़रूर देखूँगी और कॉल करूँगी। तो कुछ भी अगर मेरे से गलती हो गया इस वीडियो में बोलने का तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़ आप लोग, और थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। पता नहीं आप लोगों को जितने भी थैंक यू बोले उतना कम है, क्योंकि एक दिन ऐसा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं लेने के था, कुछ भी नहीं,
कुछ भी खुशी नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ जो है आप लोगों के वजह से। अब कुछ दिन बाद हमारे घर भी सही सलामत बन जाएंगे, जैसा हम चाहते अपना घर वैसा बन जाएंगे। सी आप लोगों के वजह से इतना कुछ हो गया है। अब हमारा सिर्फ लास्ट ख्वाहिश और सपना है कि सपनों की महल बनाए ये घर को अच्छी तरह से। और हमें पता है कि आप लोग पूरा सपोर्ट हमें करोगे, दिल से सपोर्ट करोगे, हमें पता है। तो इसीलिए बस और कुछ सपना नहीं है, बस घर बन जाए। और हमारे बर्थडे तो 7 तारीख को आपको पता है, तो यही सोच लीजिएगा कि मैं फैन ली हूँ इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत गर्मी। अभी भी आप लोगों को शायद ये फोन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और कल रात भर मेरे बच्चे भी नहीं सोए, हम भी नहीं सोए गर्मी के वजह से, लेकिन अभी सो पाऊंगी आराम से। आज से हम लोग आराम से सो पाएंगे रात भर, क्योंकि दिन भर इंसान काम करने के बाद अगर रात को आराम ना मिले तो सुबह कैसा लगता है, ये तो आप लोग समझ सकते हो। तो इसीलिए अब हम लोग आराम से आरामदायक सो सकते हैं, और आप लोग भी हमारे घर में आ सकते हो आराम से। क्योंकि कुछ मतलब हम मेरे घर पे एक ही कूलर था जो सिर्फ एक ही तरह हवा दे रहा था, इधर उधर हवा नहीं दे रहा था, लेकिन अब आराम से आप लोग भी हवा खाओगे हमारे साथ और खुशियाँ बांटेंगे हम लोग आपके साथ। और क्या बोलूँ मैं, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं यार, क्या बोले तो क्या बोलूँ, और बोलने कुछ वजह ही नहीं है। तो फ्रेंड, तो आज की ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करना, बेल आइकन का घंटी जरूर दबाना। और जो अभी नए जुड़े हैं, जो अभी तक, तो फ्रेंड नए लोग जो अभी जुड़े हैं, जो अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट जाइए आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा नई नई ब्लॉग मिलेगी और नई नई चीज़ों की मतलब चीज़ हर जगह को मैं दिखाऊंगी। तो बहुत जल्द घर खड़ा होने के बाद मैं नई गाड़ी भी खरीदने वाली हूँ। गाड़ी की बात हो चुकी है तो मैं ये न्यूज़ अभी से दे रही हूँ। जब मैं गाड़ी लूँगी तो सबसे पहले आप लोगों को लड्डू या मिठाई खिलाऊंगी मैं, क्योंकि हमारे गाड़ी का भी बस हो ही चुकी है। पहले घर खड़ा कर लेते हैं, पहले घर के लिए कुछ पैसा रखे, घर हमारा रेडी हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी के लिए भी हुए तो गाड़ी भी लिया जाएगा साथ साथ, और आप लोगों के साथ मैं खुशियां बांटूंगी ढेर सारा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, आप बेल आइकन घंटी जरूर दबाना। तो आज की ब्लॉग यही समाप्त होती है तो फ्रेंड बाय, आप लोग ठीक रहना और खुश रहना, और हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लव यू फैमिली, हमारा यूट्यूब फैमिली।